हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा आज हम लोग एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और सब्सिडियरी बुक्स को हम डिस्कस करेंगे। सब्सिडियरी बुक्स क्या होती है, इसका एक दूसरा नाम भी है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस। सब्सिडियरी बुक्स स्पेशल पर्पस, सब्सिडियरी बुक्स मतलब कि ये जो बुक्स हैं ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए आपको मेंटेन करनी है, मतलब हर बुक का एक स्पेशल पर्पस है जिसके लिए आप उसको मेंटेन करोगे वहां पे। जैसे नाम लिखे हूं बेटा, नाम के साथ-साथ मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता जाता हूं कि कौन सी बुक जो है उसका क्या पर्पस होता है, किस पर्पस के लिए उसको हम मेंटेन करते हैं। तो बेटा इसके अंदर सबसे पहले जो बुक का नाम लिखा हुआ है, इस बुक का नाम है परचेज बुक। बुक का नाम क्या है? परचेज बुक। और ये किसने बनाई जाती है? इट इज प्रिपेयर्ड, या फिर मैं यहां पे सिंपल लिखता हूं, इट ओनली रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। जो ये बुक बनाई जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ किसको रिकॉर्ड करेगी? ये सिर्फ रिकॉर्ड करेगी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? बेटा गुड्स का मतलब मैंने आपको बताया हुआ, गुड्स का मतलब वो थिंग्स। गुड्स मींस द थिंग्स व्हिच इज टू बी सोल्ड एंड परचेज्ड इन योर बिजनेस। मतलब ऐसी वस्तुएं या ऐसा सामान जो आपकी दुकान पे रेगुलर बेसिस पे खरीदा और बेचा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? आपकी गुड्स बोलते हैं, ठीक है? यस, वो हम बोल सकते हैं द थिंग्स इन विच बिजनेस नॉर्मली डील्स, मतलब कि वो थिंग्स जिसके अंदर आपका बिजनेस डील करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप एक मोबाइल शॉप है, आपकी मोबाइल की शॉप है, मोबाइल फोन्स की, तो वहां पे कंटीन्यूअस सेल परचेज आप क्या करेंगे? मोबाइल फोन्स। तो मोबाइल फोन्स जो है वो आपकी क्या हो जाएंगी? गुड्स हो जाएंगी। और अगर ऐसे ही आप रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें तो रेडीमेड गारमेंट्स में क्या सेल परचेज किया जाता है? वहां पे सेल परचेज किया जाता है रेडीमेड गारमेंट्स। तो रेडीमेड गारमेंट्स आपकी क्या हो जाएंगी? गुड्स। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपकी दुकान जो है, आपकी जो शॉप है वो रेडीमेड गारमेंट्स की है, तो जब आप रेडीमेड गारमेंट्स को क्रेडिट पे परचेज करके लेके आएंगे, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। मतलब जब हम उधार पे रेडीमेड गारमेंट्स लेके आएंगे तो उसको कहां पे लिखना है? परचेज बुक के अंदर। सेम ऐसी अगली जो बुक है इसका नाम क्या है? परचेज रिटर्न बुक। इट ओनली रिकॉर्ड्स परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स। मतलब कि जैसे मैं आपको और थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं, आप लोग जब छोटे होते थे छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, जैसे कि सपोज नर्सरी में, एलकेजी में, तो उस टाइम पे क्या होता था बेटा? हमारी सिर्फ एक ही नोटबुक बनवाई जाती थी जिसके अंदर सारा काम होता था, जिसको हम बोलते थे कंबाइंड नोटबुक होती थी ना। थोड़े से पेज होते थे उसके अंदर हिंदी के, थोड़े से पेज होते थे इंग्लिश के, थोड़े से पेज होते थे मैथ्स के, ठीक है? तो एक ही नोटबुक के अंदर सारा काम हो जाता था। तो जैसे जैसे बेटा आपके बिजनेस का साइज स्केल अप होगा, जैसे जैसे आपके बिजनेस का साइज बढ़ेगा, तो वहां पे जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, जो डीलिंग्स है, वो बढ़ जाती है। जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो जिसकी वजह से आपको क्या करना होता है, हर ट्रांजेक्शन के लिए एक अलग बुक रिकॉर्ड करनी पड़ती है। मतलब नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सेम होना चाहिए। जैसे कि आपको और मैं बताऊं, क्लियर करूं, जैसे आप जब अभी आप 10th पास आउट हुए, 10th में आपने क्या किया? इंग्लिश की नोटबुक आपकी अलग थी, साइंस की आपकी नोटबुक अलग थी, मैथ्स की आपकी नोटबुक अलग थी, एसएस की आपकी नोटबुक अलग थी, और अगर आपके पास संस्कृत थी तो उसकी नोटबुक क्या थी आपके पास? अलग थी। या फिजिकल थी, उसकी नोटबुक आपके पास क्या थी? अलग थी। तो क्या होता है बेटा, जैसे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता है, जैसे हमारा सिलेबस बढ़ता है, वहां पे होता है ना, जैसे हमारा सिलेबस बढ़ गया, सिलेबस बढ़ा तो आपने क्या किया? सारी नोटबुक्स अलग अलग बनानी शुरू कर दी, एक नोटबुक में सारा काम नहीं करते थे। सेम यहाँ पे भी यही काम है,
कि जैसे आपके बिजनेस का साइज स्केल अप होता है, जैसे आपका बिजनेस का साइज बढ़ता है तो आप क्या करते हो, अलग अलग बुक्स बनानी स्टार्ट कर देते हो। हर बुक का अलग काम होगा, हर बुक में अलग तरीके की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी। जैसे मैंने आपको बोला इस बुक का नाम है परचेज बुक, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करती है। दूसरी बुक जो है उसका नाम है परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापसी। यहाँ पे सामान खरीदा, सामान खरीदा तो लिख दिया कौन सा सामान, उधार वाला। यहाँ पे सामान जो उधार आया था वो वापिस किया तो वो लिख दिया। अगली जो बुक है उसका नाम है सेल्स बुक। अब आपको मेरे ख्याल से खुद को पता होगा, इट ओनली रिकॉर्ड्स क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। मतलब जब भी हम गुड्स जो है वो क्रेडिट पे सेल करेंगे वो आप यहाँ नोट करेंगे। मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। क्रेडिट का मतलब मैं अभी बता गया हूँ आपको, उधार। गुड्स का मतलब जिसके अंदर आपका बिजनेस डील करता है। मतलब अगर मैं रेडीमेड गार्मेंट को कंटिन्यू करूँ तो रेडीमेड गार्मेंट की अपनी दुकान है, उस शॉप पे अगर मैं उधार पे रेडीमेड गारमेंट्स लेके आऊंगा तो यहाँ लिखूंगा। अगर वो सामान यानी कि रेडीमेड गारमेंट्स अगर मैं वापस कर दूंगा जो मैंने खरीदा था यहाँ पे, अगर मेरे को कुछ पसंद नहीं आया कुछ भी रीजन से, अगर मैं उसको वापस कर दूंगा तो उसको मैं कौन सी बुक में लिखूंगा, परचेज रिटर्न बुक के अंदर। और अगर मैं उसको उधार पे बेचूंगा किसको, रेडीमेड गारमेंट्स को यानी कि गुड्स को, अगर मैं गुड्स को उधार पे बेचूंगा तो कौन सी बुक में लिखूंगा, सेल्स बुक के अंदर। नेक्स्ट जो हमारी वो है सेल्स रिटर्न बुक, इट ओनली रिकॉर्ड्स क्रेडिट सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स। मतलब कि जब आपका जो सामान आपने बेचा था अगर कोई कस्टमर आपको वापस कर देगा तो वो आपको यहां पे लिखना। समझ आ रही है ना मेरी बात बेटा, जब उधार खरीदा उसकी अलग बुक है, उधार खरीदा हुआ माल वापस कर दिया उसकी अलग बुक है, उधार पे सामान बेचा, उधार पे सामान सेल किया उसकी अलग बुक है, जो सामान बेचा था उधार पे वो वापस आ गया उसके लिए अलग बुक। उसके बाद जनरल प्रॉपर बेटा क्या होता है, जिस बुक की जगह किसी भी बुक के अंदर नहीं होती, मतलब वो ना ही परचेज बुक में आता है, ना ही परचेज रिटर्न में, ना ही सेल में, ना ही सेल रिटर्न में, ना ही कैश बुक में, तो वो कहां पे आ जाएगा, जनरल प्रॉपर में। इसका एक अलग से चैप्टर है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए इसके ऊपर मैं ज्यादा प्रेशर नहीं कर रहा। लास्ट वन इज कैश बुक, इट ओनली रिकॉर्ड्स कैश सेल, या फिर मैं यहां पे बोल देता हूं कैश ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस। मतलब ये जो बुक है कैश पे चाहे सामान बेचो चाहे कुछ भी बेचो, नगद जिससे भी आया, कैश जिससे भी आएगा या जाएगा वो आप यहां पे रिकॉर्ड करेंगे। कैश बुक हम लास्ट वीडियोस के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम इन बुक्स को डिस्कस करेंगे, इनका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे और आपको बताया जाएगा कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसका फॉर्मेट कैसे होता है। ठीक है बेटा, तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अब हम फर्स्ट बुक जो है परचेज बुक उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से समझने का ट्राई करना बेटा, बड़ा ही इजी चैप्टर है। मतलब ये लगा के चलो अगर आपने एक बार ध्यान से देख लिया ना तो चैप्टर हाथों हाथ हो जाए, अभी की अभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा। अगर आपको समझ आ गया तो, अगर आपने ध्यान से देख लिया तो अभी समझ आ जाएगा, और समझ आ गया तो चैप्टर खत्म, समझ आ गया तो चैप्टर खत्म। तो बेटा इसका फॉर्मेट कैसे है वो देखें आप, इसके फॉर्मेट में क्या क्या चीजें आपको नोट करनी है वो देखो आप। फॉर्मेट में सबसे पहले आपको लिखना होता है डेट, सबसे पहले क्या लिखना होता है, डेट। उसके बाद आपको लिखने होते हैं पर्टिकुलर लिखने से पहले मैं बुक का नाम लिख देता हूं, बुक का नाम क्या, हमारा बुक
का नाम है परचेज बुक, बुक का नाम क्या है परचेज बुक। तो बेटा इसके बाद आपको जो लिखना है, अब देखो परचेज किससे करते हैं, परचेज करते हैं सप्लायर से, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, नेम ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ सप्लायर, यानी कि किससे आपने सामान परचेज किया। उसके बाद आता है इनवॉइस नंबर, उसके बाद आता है आपका इनवॉइस नंबर, इसके बाद आपका आ जाएगा लेजर फोलियो, लेजर फोलियो, और उसके बाद आपका आ जाएगा डिटेल्स, डिटेल्स के बाद आप लिखेंगे परचेजेस, परचेजेस के बाद आप लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी, उसके बाद लिखेंगे आप इनपुट एसजीएसटी, उसके बाद आप लिखेंगे यहां पे इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, और लास्ट कॉलम आपका बनेगा टोटल अमाउंट, लास्ट कॉलम आपका बनेगा टोटल अमाउंट। तो बेटा ये हमारा फॉर्मेट है परचेज बुक का, ये हमारा फॉर्मेट है परचेज बुक का, तो आप इसको फटाफट नोट कर लेना, आप इसको फटाफट नोट कर लो। मैं आपको पहले सारी बुक्स के फॉर्मेट बना देता हूँ, पहले आप ये फॉर्मेट बना ले परचेज बुक का, फिर मैं आपको बताता हूँ चेंज क्या करना होगा। फटाफट फॉर्मेट बनाए परचेज बुक का। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट बुक जिसका नाम है सेल बुक। अभी मैं सिर्फ फॉर्मेट डिस्कस कर रहा हूँ, फॉर्मेट डिस्कस करने के बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो नेक्स्ट बुक जो है हमारी, नेक्स्ट बुक का नाम है सेल्स बुक, नेक्स्ट बुक का नाम क्या है सेल्स बुक, जो हमारी अगली बुक है उसका नाम क्या है सेल्स बुक। सर फॉर्मेट क्या सेम होता है बेटा, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। नेक्स्ट जो हमारी है वो सेल बुक, तो सेल जो की जाती है वो किसको की जाती है, सप्लायर को नहीं करते बेटा सेल, सेल हम किसको करते हैं कस्टमर, सेल हम किसको करते हैं कस्टमर को। तो यहाँ पे मैंने पहले लिखा था नेम ऑफ सप्लायर, अगर आप सेल बुक बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे नेम ऑफ कस्टमर। यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ है परचेजेस, तो इसको इरेज करके मैं यहाँ क्या लिख दूंगा सेल्स। देखा बेटा फॉर्मेट एकदम सेम है, सिर्फ यहाँ पे नेम ऑफ सप्लायर लिखा हुआ था, मैंने चेंज करके क्या लिख दिया नेम ऑफ कस्टमर। अब बेटा अगर हम परचेज करते हैं तो सारी जगह पे हमारा क्या लगता है इनपुट, अगर आप सेल करेंगे तो आपका क्या लगेगा आउटपुट, सेल करेंगे तो क्या आएगा आउटपुट। फिर आप इसको चेंज करके यहाँ पे सिर्फ क्या लिख देंगे आउटपुट, आउटपुट, आउटपुट। तो बेटा ये फॉर्मेट किसका बन गया सेल्स बुक का, ये किसका फॉर्मेट बन गया बेटा सेल्स बुक का। ठीक है, आज हम सिर्फ इसी को डिस्कस करेंगे, सिर्फ इसी को ही हम डिस्कस करेंगे, सेल्स बुक का फॉर्मेट बन गया। अब इसको भी आप नोट कर लें, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे करते हैं, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अभी फिलहाल एक बार आप फॉर्मेट नोट कर लें दोनों, नोट हो गया या अगर नोट नहीं किया तो बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं अब आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ सेल्स बुक का, ही सेल्स बुक का क्वेश्चन हम करेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन को देखें, जब तक मैं क्वेश्चन रीड करूंगा तब तक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही रहेगा, तो आप बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन को रीड आउट करने का ट्राई करेंगे और क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप बाद में जब क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन कर लें फिर उसके बाद आप मैच कर पाएंगे किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो क्वेश्चन देखें बेटा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिपेयर सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, अभी फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ सेल्स बुक बनाने वाले हैं यहाँ पे, तो सेल्स बुक बनाएंगे यहाँ पे। लिखा हुआ है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ क्रेडिट सेल
इन द सेल्स बुक रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ द क्रेडिट सेल इन द सेल्स बुक। तो यहां पे बेटा आपको दिया हुआ है ईयर, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं ईयर लिखते हैं 2019। उसके बाद आपको बेटा मंथ दिया हुआ है यहां पे मार्च, तो मैं नेक्स्ट काम क्या करूंगा मंथ लिख दूंगा मार्च। ठीक है बेटा, अब इस क्वेश्चन के अंदर जीएसटी गिवन नहीं है, लेकिन हम इसके अंदर जीएसटी लगाएंगे 10% के हिसाब से। हमारा जो जीएसटी लगेगा वो कितना लगेगा, 10% के अकॉर्डिंग लगेगा। तो देखो फर्स्ट लिखा हुआ है 4 तारीख को पहली ट्रांजैक्शन हुई मार्च 4 लिखता है सोल्ड टू जगन्नाथ एंड कंपनी वाराणसी 100 मीटर शर्टिंग एट 35 पर मीटर 250 मीटर लॉन्ग क्लॉथ एट द रेट 20 पर मीटर 50 मीटर फ्लैनल एट द रेट 70 पर मीटर। बेटा रेडीमेड गारमेंट्स नहीं है ये, क्लॉथ्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है, तो टेक्सटाइल को सेल कर रहे हैं, क्लॉथ सेल कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है नाम, क्या नाम लिखा हुआ है सोल्ड टू जगन्नाथ एंड कंपनी। तो मैं यहां पे लिखता हूं जगन्नाथ एंड कंपनी, जगन्नाथ एंड कंपनी। और मैंने आपको बताया कि हमारा जो सीजीएसटी है वो लगेगा 10%, एसजीएसटी है वो लगेगा 10%। ठीक है, और इसके अंदर मैं ये मान लेता हूं कि हम लोग दिल्ली से, हम लोग कहां से हैं, दिल्ली से, दिल्ली में हमारी दुकान है। तो बेटा क्या होता है, अगर मैं दिल्ली के अंदर ही सामान बेचूंगा तब तो ये दोनों लगेंगे, और अगर मैं दिल्ली से बाहर चला जाऊंगा तो क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, आईजीएसटी, जिसका रेट क्या हो जाएगा। आईजीएसटी का रेट कैसे पता चलता है बेटा, जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है इनका टोटल जो होगा वो क्या बन जाएगा आपका आईजीएसटी। तो सीजीएसटी कितना है 10, एसजीएसटी कितना है 10, तो ये कितना हो गया 20%। ठीक है, कितना हो गया 20%। तो बेटा मैंने ये जो सेल किया है ये बंदा कहां से है, ये आपका है वाराणसी से, ये कहां से है वाराणसी। बेटा वाराणसी दिल्ली में नहीं है, वो बाहर है दिल्ली से, अलग है वहां से। तो जब आप दिल्ली के अंदर सेल करते हैं तब आप क्या लगाते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी, लेकिन आप दिल्ली से बाहर सेल कर रहे हो तो हम क्या लगाएंगे आईजीएसटी। तो अब आपको क्या लिखना है, सिंपल लिखना है जो उसने बेचा, तो यहां पे आप लिखेंगे शर्टिंग, उसने बेची है शर्टिंग, कितनी बेची है 100 मीटर, तो यहां पे मैंने लिखा 100 मीटर एट द रेट 35 पर मीटर, 35 पर मीटर। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है बेटा, कितना बेचा है 100 मीटर बेचा उसने, तो 100 मीटर कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा कितने का है 35 रुपए, 100 मीटर क्लॉथ उसने सेल किया, 1 मीटर क्लॉथ कितने का था 35 पर मीटर। तो आपको क्या करना है, डिटेल के अंदर इसको मल्टीप्लाई करके लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 35, 100 मीटर कपड़ा बेचा, 1 मीटर कितने का था 35 का, तो 100 × 35 = 3500। आगे देखेंगे उसने बेचा लॉन्ग क्लॉथ, अगली आइटम जो है उसका नाम लिखना है लॉन्ग क्लॉथ, नाम लिखा आइटम का। इसके बाद आगे आपको क्या करना है, यहां पे आपको लिखना है कितना बेचा 250 मीटर, तो मैंने लिखा 250 मीटर, किस रेट पे बेचा 20 पर मीटर, एट द रेट 20 पर मीटर, 20 रुपए मीटर के हिसाब से बेचा, 250 मीटर कपड़ा बेचा है, 1 मीटर का रेट कितना है 20, तो 250 × 20 कितना हो गया आपका 5000। ठीक है, समझ आ रहा होगा बेटा। इसके बाद आगे क्या बोलता है, 50 मीटर फ्लैनल एट द रेट 70 पर मीटर, तो मैं यहां पे नाम लिखता हूं फ्लैनल, कितना बेचा 50 मीटर, तो यहां पे मैंने लिख दिया 50 मीटर एट द रेट 70 पर मीटर, एट द रेट 70 पर मीटर। ठीक है, तो
ये अब कितना हो जाएगा बेटा आपका 3500। समझ आ रहा है बेटा? आपको क्या लिखना है, जो भी आइटम्स दी हुई हैं उनको एज इट इज का एज इट इज नोट करना है, और उनका जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा, एक यूनिट का आपको प्राइस दे रखा है कि 3500 मीटर है, उसने बेचा कितना है 100 मीटर, तो मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 250 मीटर है, 1 मीटर कितने का 20 रुपए का, तो मैंने लिख दिया यहां। 50 मीटर है, 1 मीटर कितने का 70 का, तो मैंने लिख दिया यहां। ठीक है बेटा, इसका टोटल हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा आपका 12,000। टोटल कितना हो जाएगा 12,000। अब मैंने दिल्ली में से कहां बेचा, वाराणसी में बेचा, तो दिल्ली में अगर बेचूंगा तो दो टैक्स लगेंगे, दिल्ली से बाहर बेचूंगा तो सिर्फ एक टैक्स लगेगा, उसका नाम क्या होगा, आईजीएसटी। बेटा जब सेल करते हैं तो कौन सा लगता है, आउटपुट। तो यहां पे आप क्या कर देंगे, प्लस आउटपुट आईजीएसटी एट द रेट 20%। बेटा ये जो टोटल आएगा उसके ऊपर आपको लगाना है 20%, तो कितना हो जाएगा 12,000 का 20% हो गया 2400। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 14,400। टोटल कितना हो गया 14,400। अब बेटा यहां कैसे लिखना है वो देखो, यहां पे कैसे लिखना है आपको वो देखो, सेल कितने की, सेल किया आपने, ये सेल कितने का किया 12,000, तो मैंने लिख दिया सेल 12,000। ठीक है, ये जो डिटेल थी इसको स्प्लिट करना है, तोड़ के टुकड़ों में लिखना है, जो भी जिसके कॉलम में जाएगा वाले बेटा। यहाँ पे कहीं आपने लिखा है सीजीएसटी, तो यहाँ पे सीजीएसटी कुछ भी लिखा तो ब्लैंक, एसजीएसटी भी कुछ भी लगा तो ब्लैंक, आईजीएसटी लिखा हुआ है, आईजीएसटी कितना लिखा हुआ है 2400, तो आईजीएसटी में लिख देते हैं हम 2400, और टोटल अमाउंट कितना हो गया 12,000 और 2400, ये हो गया आपका 14,400। इस तरीके से बेटा आपको नोट करना है, बड़ा ही सिंपल सा है, जो डिटेल दे रखी है वो सेम टू सेम डिटेल लिखनी है, नाम लिखना है, उसके बाद उसका स्टेट लिखना है वो कौन से स्टेट से है, और उसके बाद डिटेल में क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई फिर स्प्लिट करके लिख देना। अगला देखो बेटा, आगे लिखा हुआ है सोल्ड टू बख्शीराम एंड ब्रदर्स मेरठ, सोल्ड टू बख्शीराम एंड मेरठ, तो डेट क्या है, यहां पे डेट है आपकी 11, डेट है आपकी 11, नाम क्या है बख्शीराम, नाम क्या है बख्शीराम, और ये कहां से है मेरठ से, कहां से है मेरठ से, कहां से बेटा ये मेरठ से, हम कहां पे हैं दिल्ली में, और मेरठ दिल्ली में नहीं आता, मेरठ दिल्ली में नहीं आता, तो इसका मतलब अब हम यहां पे क्या लगाएंगे, आईजीएसटी लगाएंगे। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसको बेचा उन्होंने 150 मीटर शर्टिंग एट द रेट 60 पर मीटर, इसको बेचा है 150 मीटर शर्टिंग, तो मैं यहां पे लिख दूंगा शर्टिंग कितना बेचा 150 मीटर एट द रेट, क्या रेट बेचा इसको 60 पर मीटर, 60 पर मीटर। ठीक है, आगे आ जाओ, 200 मीटर प्लेन सिल्क एट द रेट 75 पर मीटर, दूसरी आइटम जो है उसका नाम लिखेंगे प्लेन सिल्क, प्लेन सिल्क कितना बेचा आपने, प्लेन सिल्क बेचा आपने 200 मीटर, प्लेन सिल्क बेचा आपने 200 मीटर एट द रेट 75 पर मीटर, 75 पर मीटर। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 150 इंटू में 60, ये हो गया आपका 2500, ये हो गया आपका सॉरी ये हो गया आपका 9000, और इसके बाद आपका 200 इंटू में 75, ये हो गया आपका 15,000, तो टोटल कितने हो गए 9 और 5 24,000 रुपए आपके हो। ठीक है बेटा, फिर इसके ऊपर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे हम आउटपुट, आउटपुट आईजीएसटी एट द रेट 20%, एट द रेट 20%, तो 24,000 का 20% हो गया 4800, तो ये आपका आ गया 28,800 रुपए, ये आपका क्या आ गया 28,800 रुपए। ठीक है, अब देखो इससे आगे, इससे आगे क्या हो रहा है, अब इसको स्प्लिट करना है, फिर से इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सेल कितने की हुई
24,000 लिखती है। उसके बाद आगे आउटपुट सीजीएसटी भी नहीं है, एसजीएसटी भी नहीं है, तो आपका आईजीएसटी कितना है 4800, तो ये कितना हो जाएगा 28,800। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आगे लिखता है 15 मार्च को सोल टू अंबा प्रसाद कोलकाता 50 वाइट साड़ीज एट द रेट 120 each 100, सिल्कन साड़ीज एट द रेट 300 each लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। अब आपको यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन और आ गई है, इसको अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये आपने नोट कर दिया होगा, मैं आगे इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। बेटा अब इसको नोट करने के बाद क्या करना होता है, अगली जो है वो है 15 तारीख, अगली ट्रांजेक्शन है 15 तारीख, नाम क्या है अंबा प्रसाद, अंबा प्रसाद ये कहां से है, कोलकाता से है। तो अंबा प्रसाद कहां से है, कोलकाता से, हम कहां से, दिल्ली से। इसका मतलब लगेगा क्या है, यहां पे लगेगा सर आईजीएसटी। साड़ी बची है इसको व्हाइट साड़ी, आइटम का नाम लिखेंगे व्हाइट साड़ीज, ठीक है, व्हाइट साड़ीज कितनी बची है आपने, व्हाइट साड़ीज 50 एट द रेट 120 ईच, एट द रेट 120 ईच। बेटा 50 साड़ियां बची, एक साड़ी कितने की है 120 की, तो कितने हो गए बेटा, ये हो गए आप मल्टीप्लाई करके डिटेल में लिख देंगे इसके 6,000, ठीक है। आगे आपने बेची है उसको 100 सिल्क साड़ी, सिल्क साड़ी, सिल्क साड़ी से आपने कितनी बेची है उसको 100 एट द रेट 300 ईच, 300 की एक है, एट द रेट 300 ईच, 300 साड़ी है और एक साड़ी कितने की है 300 रुपए की, 100 साड़ी 300 रुपए की एक, तो कितने हो गए बेटा 30,000, कितने हो गए 30,000। तो इसका बिल कितने का बन गया 36,000, बिल कितने का बन गया 36,000। लेकिन वो कहते हैं जी मैं इसको, ये तो लिस्ट प्राइस है, यानी कि ये तो एमआरपी के हिसाब से 36,000 बन गए, मैं इसको डिस्काउंट दूंगा, मैं इसको क्या दूंगा डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट दूंगा मैं इसको, मैं इसको सर डिस्काउंट दूंगा 10%, लिखा हुआ है ट्रेड पर डिस्काउंट, लेस कर देते हैं इसके अंदर से ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक छूट बोलते हैं इसको, एट द रेट 10%, कितना हो गया बेटा ये 3600 रुपए आपका डिस्काउंट हो गया, तो ये आपके रह जाएंगे 32,400 रुपए, कितने रह गए 32,400, कितने रह गए 32,400, प्लस कर देंगे इसके अंदर हम, इसके अंदर हम प्लस करेंगे आउटपुट आईजीएसटी एट द रेट 20%, तो इसका 20% हो जाएगा 324 × 2840 6480, टोटल कर देते हैं हम इसका, टोटल आ जाएगा इसका 808 8, इसका टोटल आ गया 3880। तो बेटा सेल कितने की आपने, सेल करके आपने 32400, जितने की सेल की वो यहां लिख देंगे। उसके बाद ब्लैंक, ब्लैंक यहां पे आपका कितना आ जाएगा, आपने इस पे जीएसटी कितना लगाया 6480, और यहां पे आ जाएगा आपका टोटल 388 3880। इस तरीके से बेटा आपको क्या करना है, सेल्स को प्रिपेयर करनी है। आगे अब क्या लिखता है वो, मार्च 18 ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर रुपीस 2000, ओल्ड फर्नीचर बेचा बेटा उसने, अभी तक क्या बेच रहा था वो, कपड़े बेच रहा था। तो बेटा सेल बुक में सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड होता है, अगर हम किसी को क्रेडिट पे कोई सामान बेचते हैं, उधार पे सामान बेचते हैं, लेकिन वो सामान होना चाहिए, गुड्स होनी चाहिए। अब आप फर्नीचर बेच रहे हो तो बेटा अपना काम किसका है, अपना काम फर्नीचर का तो है नहीं, अपना काम किसका है, टेक्सटाइल का है, टेक्सटाइल यानी कि क्लोथ्स का काम है,
तो क्लोज के काम में अगर कोई फर्नीचर बेच देता है, जो अपनी दुकान है अपनी दुकान पे जो सामान बिकता है वो गुड्स है, लेकिन अगर हम कुछ अलग बेच देते हैं तो वो हमारी गुड्स नहीं होती, तो वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं करनी आपको, ठीक है। जैसे वो बोलता है कि मैंने फर्नीचर बेचा 2000 का, 2000 का उसने फर्नीचर बेचा, फर्नीचर हमारी गुड्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करनी, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करनी। इससे आगे बोलता है 500 लेडी सूट सोल्ड फॉर कैश, 500 लेडी सूट सोल्ड फॉर कैश, कैश पे बेचा आपने, और ये किसके लिए बनाई जा रही है, क्रेडिट के लिए। कैश पे अगर सामान सेल करेंगे तो वो रिकॉर्ड आपको नहीं करना, ठीक है बेटा। लास्ट काम क्या करना होता है, लास्ट में आप सारे कॉलम्स का टोटल कर देंगे और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बताएं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक और करके देखेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।